दिलजीत कौर ने एक बार फिर से अपना दर्द जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट जो है उन्होंने डाला है। दरअसल आज से एक साल पहले कैसे निखिल ने अपने बर्थडे पर ही उसे प्रपोज किया था, शादी की तस्वीरें, मेहंदी की तस्वीरें, और कैसे जेडन आज भी पापा कहता है निखिल पटेल को, ये बात जो है दिलजीत ने लिखी है। दिलजीत जो है काफी समय से इन सारी चीजों को लेकर परेशान है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ दिलजीत ने जो पोस्ट डाला उसके बाद उसने अब डिलीट कर दिया है और खाली एक ही लिखा है उन्होंने, वाई और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट डाला था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, बहुत ही लंबा पोस्ट था जो मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया है, जिसमें वो ये कह रही थी। मैं आपको वो पोस्ट जो है पढ़ के सुनाती हूँ। थोड़ा शायद जो लीगली चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया हो, लेकिन यहाँ पर वो कह रही थी कि आज भी मेरे, जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, भले ही लोग कितना भी बोले लेकिन तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हो मुझे फिर से उस सिचुएशन में लाने का कि मुझे एक बार फिर से दर्द महसूस हो। Everyone says I should begin healing, but here you are reopening all my wounds and making them bleed again. I don't think I will ever understand why you do that, what you do and the way you do it. मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में से निकली हैं दिलजीत। हालांकि उनके पोस्ट को देखकर मुझे ये लगता है कि वो अभी भी बहुत तकलीफ में हैं। वो बताती हैं कि कैसे लास्ट ईयर लास्ट नाइट मुझे I had gathered all the family members for a surprise dinner. किस तरीके से पिछले साल इसी दिन जो है सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हुए थे और कैसे एशियन रेस्टोरेंट में होस्टिंग दैट इवनिंग एज यूअर वाइफ, तुम्हारा ऐसा जो है तुम्हारी वाइफ की तौर पर मैंने वो इवनिंग होस्ट की थी। आज उसका शायद निखिल का बर्थडे है, शायद नहीं, इसमें वो बर्थडे विश कर ही रही हैं। और वो कहती हैं कि कैसे जेडन जो है अभी भी तुम्हें पापा बोलता है, और 10 साल के इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं सिखाऊं कि जो इमोशन उसके मन में है तुम्हारे लिए उसको इरेज करे, कितना मुश्किल है ये उसके लिए भी ना। तो बहुत ही तकलीफ से भरा ये पोस्ट है ऑनेस्टली, और मैं जब भी दिलजीत का ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसे सच में बहुत सहा है। जिस तरीके से उसके साथ चीज़ें हुई हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं उन सब से निकलने की, लेकिन क्या है यादें इतनी जल्दी जाती नहीं है, और वही हो रहा है दिलजीत के साथ ना। आज वो दिन आया जो पिछले साल उसने निखिल की बर्थडे पार्टी एज अ वाइफ बनकर होस्ट की थी, तो वो सारी चीज़ें उसके जहन में आ गई और उन्हीं चीज़ों को जो है उसने लिखा। बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट किया है और सिर्फ एक ही कैप्शन डाला है, वाई एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, मैं तो यही होप करूंगी कि जल्द से जल्द दिलजीत जो है इन सारे पेन से निकले और एक नई शुरुआत करे। और जो है जेडन के लिए जो उन्होंने लिखा है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। तो देखते हैं कि मुझे लगता है कि निखिल ने जो उनको नोटिस वगैरह भी भेजे थे उन सबकी का जिक्र जो है उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया कि क्या क्या किया उन्होंने। तो आई होप कि वो बहुत ही जल्द जो है इन सारी चीज़ों से निकल पाए।